देश की आज सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी। इसी बेरोजगारी के कारण भारत का युवा परेशान है और उसके जीवन का शानदार पल रोजगार की ढूंढ में ही बीत जाता है। इसी बात को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना से तमाम उन बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ा है जिनके अंदर काम करने की प्रतिभा छिपी हुई है। राजधानी देहरादून के सेवा नियोजन कार्यालय में भी विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश भर के युवा बेरोजगारों ने शिरकत की। इस बीच देश की लगभग 20 कंपनियों ने उभरती प्रतिभाओं को निखारने के लिए युवाओं को रोजगार से जोड़ा। इस बीच सेवा नियोजन अधिकारी का कहना है कि हमारा काम युवाओं को रोजगार से जोड़ना है और इसी रोजगार मेले के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। आज का जो ये रोजगार मेला लगा है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में, ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल के UKSDM उत्तराखंड कौशल विकास मिशन और एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके कोलैबोरेशन से लगा है। और ये जो मेला है ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जो जॉब है स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है। तो हमारी इसमें करीबन 18 कंपनियां जो आज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस सेक्टर के जितने ही बच्चे हैं पूरे राज्य के हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाया है, तो पूरे राज्य से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आज जो है रोज़गार मिलने की संभावना। ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो THCC और सेक्टर स्किल काउंसिल ने इनिशिएटिव लिया। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने ILFS स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे हमारे 300 कैंडिडेट पूरे उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेशन हुआ है और उसमें हमारे बहुत अच्छा हमारा बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। अभी हमें कैंडिडेट्स को भी पता चला कंपनीज कितना कुछ अवेलेबल है, राइट? सो नाउ दे कैन गेट जॉब्स ओवर देयर। और दूसरा हमें ये भी पता चला कि एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, वो क्या देखता है कैंडिडेट में, ठीक है? तो हम अपने कैंडिडेट को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कि उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए रहता है। इस मौके पर उन तमाम प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे जिनका सिलेक्शन इस रोजगार मेले के माध्यम से हुआ। हालांकि इसमें उन लोगों के लिए नौकरी का स्थान काफी दूर रहा। किसी का सिलेक्शन मुंबई में हुआ तो किसी का हैदराबाद, किसी का इलाहाबाद तो किसी का दिल्ली के लिए। लेकिन फिर भी इन युवाओं में नौकरी पाने के बाद खुशी का माहौल देखा गया। सर फन में सिलेक्टेड हुए हैं, ये अहमदाबाद में है और शॉर्ट टाइम कोर्स किया है और बहुत अच्छा रहा है। वैसे मेरा सिलेक्शन द फंड में अहमदाबाद के लिए हुआ है FMB सर्विस के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेला भी बहुत अच्छा है। सर होमटेल उड़की में FNB सर्विस। फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, तो मैं उसमें सेलेक्टेड फर्स्ट टाइम पे ही हो गई थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज कि ILFS स्किल की वजह से मैं आज अब रोजगार पा रही हूँ अपने लिए। मेरा सिलेक्शन सरोवर प्रोटेक्ट के लिए हो रखा है और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार इंटरव्यू दिया मैंने और पहली बार ही सिलेक्शन हो गया। थैंक यू फॉर UGBS एंड ILFS। ILFS ये हमें रोज़गार प्राप्त हो रहा है इससे। जी सर, मेरा नाम रोहित डंगवाल, मैं पौड़ी जिले से हूँ जी, मैं ILFS से सिलेक्ट हुआ हूँ। सर जितने नीडेड लोग हैं उनको एटलीस्ट, जो लोग इतनी दूर दूर से आए हैं उनको, जिनको नीड है उनको एटलीस्ट मिलना चाहिए। देखिए हम एकदम से बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंचते, छोटे से स्टार्ट करते हैं, उसी बेस पे हम सभी लोग आ रखे हैं, तो काफ़ी उम्मीदें हैं जो बेटर हो। इन मेलों से हमें यही उम्मीद रहती है कि बेरोजगारों को रोज़गार मिले। मैं इसके बारे में, जो लड़कियाँ यहाँ पर जॉब के लिए आए उनको थोड़ी सी जॉब मिल जाएगी। सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जितने बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े हैं, अगर किसी को भी काम मिल जाता है तो उनका भला हो जाएगा उसमें। और मैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कर्णप्रयाग पाडली से आया हूँ, वहाँ से हमारे 30 स्टूडेंट आए हैं, उसमें से लगभग समथिंग 15 का ज्वाइनिंग हो गया है कंपनी में। तो जो सरकार मतलब गवर्नमेंट का जो सोचना है बहुत बेटर है कि कहीं ना कहीं रोजगार से जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर मिल रहा है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ पे आई हुई हैं। अभी आप देखेंगे हमारे इसमें काफ़ी सारा शॉर्टलिस्टिंग, हमारे बच्चे जो थे 30 बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे, इनमें से 25 का सिलेक्शन हुआ है। तो एक हमारे बहुत अच्छी उपलब्धि है कि उन्होंने शॉर्टलिस्टिंग हुई है और अच्छी जगह प्लेस हुए हैं, अच्छी कंपनी में हुए हैं। सर इससे जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उन्हें रोजगार मिलेगा और उनके इनकम का साधन बढ़ेगा। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रवण सेमवाल की रिपोर्ट।